चाहे पोकेमोन एनिमे या फिर पोकेमोन गेम की बात करो, प्रोफेसर ओक को तो तुम जानते ही होगे। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि प्रोफेसर ओक प्रोफेसर बने कैसे? क्या उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? प्रोफेसर ओक का एक पोता है, तो प्रोफेसर ओक की शादी हुई तो हुई किससे? वेल, आज हम जो गेम खेलने वाले हैं ना, इसमें तुमको इस सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बट सबसे पहले लेट मी क्लियर यू वन थिंग, अगर तुमको इस गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे खेलना है तो गेम का डाउनलोड लिंक, गेम का जो फाइल का डाउनलोड लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस फाइल को तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा, साथ ही साथ तुमको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पे मैंने इसी टाइप का गेम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में खेल के तुमको दिखाया है। तो तुमको फाइल यहां से डाउनलोड करना है एंड स्टेप्स वो वाले फॉलो करने हैं ताकि तुम इस गेम को खेल पाओ। सेकंड थिंग, ये जो गेम प्ले है ये एक नॉर्मल गेम प्ले बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमको यहाँ पे एक इस टाइप का सीन दिखे या फिर फिल्टर दिखे तो इसका मतलब है वो मेरा ओरिजिनल रिएक्शन है जो कि मैंने गेम प्ले के टाइम पे रिकॉर्ड किया था, और बाकी सब पोर्शन वॉइस ओवर है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इस गेम के बारे में मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता रखा है, तो तुम में से काफी सारे लोगों ने इसको खेल रखा होगा। ऑल्सो अगर इस वीडियो को मैं कम्प्लीट अपलोड करता तो वो 2 घंटे पार चला जाता। एंड मैं सच बताऊं तो जितना बड़ा मैंने वीडियो एडिट करके डाला है उतने में ही मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस छोटे से वीडियो पे पहले तुमसे एक फीडबैक लिया जाए, और जैसा तुम बोलोगे कि यहाँ पे तुमको पसंद नहीं आया, यहाँ पे तुम इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, तो उस जगह पे मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा एंड इसका लास्ट पार्ट लाऊंगा जहाँ पे ये वाला गेम पूरा खत्म हो जाएगा। बाकी यार रिक्वेस्ट थी कि ये वीडियो पूरा देखना चाहो तो 1-2 पार्ट्स में देख लेना क्योंकि मेहनत काफी लगी है। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ लेट मी टेक यू टू अनदर वर्ल्ड। January 21, 1936, कैंटोरिजन में। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने हमारे परिवार पे कलंक लगाया है। तुमने उस विदेशी आदमी को क्यों चुना? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस के भरा किया था? बहुत हुआ, तुम्हें अब जाना चाहिए अपने प्यारे विदेशी के पास। मैं तुम्हें बेदखल कर रहा हूँ, तुम हम में से अब कोई नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। तुम अभी भी यहाँ पे हो? लीव, निकलो। ये लड़की। December 4, 1953, सेवी आइलैंड्स में। एंड दिस इज इट, क्लास। क्लास का आखिरी दिन था। मिसेज आती है और हमको बोलती है कि नेशनल एंट्री एग्जामिनेशन जनवरी में होगा। मैं तुमको विशलक करती हूँ और होपफुली मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो तुमको समझ में आया होगा। मैं तुम सबको मिस करने वाली हूँ। हम सोचते हैं कि हाँ, ये सब दुनिया का मोह माया है और अभी मुझको जल्दी से घर जाके फिर से पढ़ाई में लग जाना है। तो हम क्लास में थोड़ा इधर उधर घूमते हैं और आखिरी बार अपने क्लासरूम को देखते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हमको मिलते हैं हमारे 3 दोस्त। तो हमारी पहली दोस्त का नाम है अगेथा, और अगेथा को हमको लेके थोड़ा सा फीलिंग है लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं है। हमारे दूसरे दोस्त का नाम है जॉन, और इसका चेहरा देख के तुमको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये कौन है। हमारी तीसरी दोस्त का नाम है एथना, और ये थोड़ा लड़ाकू टाइप वुमन है, लाइक वो होता ना ताकतवर वाला थोड़ा सा। अब ये तीनों हमको एक पार्टी में इन्वाइट करने आए थे जो कि होने वाला था माकोस पे। अब इसके आगे के कन्वर्सेशन से हमको ये पता चलता है कि हम काफी पढ़ाकू टाइप के लड़के थे, पार्टी वार्टी में जाना हमको पसंद नहीं था। तो एथना और सारे हम मिलके हमको फोर्स करते हैं कि भाई तुम इतने ज्यादा पढ़ाई में अच्छे हो, तुमको तो तुम्हारा मनपसंद यूनिवर्सिटी में बहुत आराम से एडमिशन मिल जाएगा, तो आज के लिए क्या तुम पार्टी में आना चाहोगे? बट फिर भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम घर पे रह के पढ़ने ही वाले हैं, पार्टी वार्टी में नहीं जाने वाले। उसके बाद हम लोग थोड़ा अपना टाउन एक्सप्लोर करते हैं। हम एक पहले घर में जाते हैं और हमको पता चलता है कि यह अगेथा का घर है। उसके मम्मी पापा से हम बात करते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पे एक टिपिकल जापानीज रूम। उसके बाद हम डायरेक्टली अपने घर पे पहुंच जाते हैं और हमको वहां पे मिलते हैं एक पर्सन, और इनका नाम होता है सोंचू। ये हमसे बात करते हैं कि हमारे सारे दोस्त आज प्लान बनाए थे घूमने का लेकिन हम क्यों नहीं गए, हमको भी जाना चाहिए, एक अच्छा टाइम हो सकता था छोटा सा ब्रेक लेने का और थोड़ा सा रिलैक्स करने का। फिर ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि हम जो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, सेलेडॉन यूनिवर्सिटी, वो काफी टफ है वहां पे जाना, और ये भी ये चाहते हैं कि वहां के सेल्यू में हम पढ़े। फिर हमको ये पता चलता है कि यही वो पर्सन है जो कि हमको बड़ा कर रहे थे, लाइक
हमारे डैड और मॉम का हमको पता नहीं है अभी तक कि क्या हुआ हमारे साथ, बट उस इंसिडेंट के बाद हम लोग एक फैमिली की तरह यहाँ पे रहे हैं। फिर सोनचू अंकल मेंशन करते हैं कि कुर्त यहाँ पे कुछ देर पहले आया था और क्योंकि वो जोटो से यहाँ तक आया है तो एक ना एक बार हमको उनसे मिलना चाहिए। वो हमको बताते हैं कि वो प्रोबेबली अपने फेवरेट स्पॉट पे गया होगा जो कि लेक के पास वाले गुफा में है। तो हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं एंड सीधा निकलते हैं लेक वाले रास्ते की ओर। वहाँ पे हमको गुफा मिलता है, हम लोग गुफा के अंदर जाते हैं, थोड़ा और ट्रेवल करते हैं एंड हमको दिखता है कुर्त। हम कुर्त से पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है आखिरकार, आई मीन मेरे को पढ़ाई करनी थी और तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो हमको बोलता है कि एक तो मैं इतनी दूर से तुमसे बस मिलने आया हूँ और तुम मुझे इस तरीके से ग्रीट कर रहे हो। फिर हम उसको बताते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त है ना वो मकोज में पार्टी मनाने गए हैं और हम ही बस यहाँ पे रह गए हैं। तो वो बोलता है कि बहुत अच्छा तरीका है मेरा मूड खराब करने का, अब कम से कम तुमने जो मेरी माइनरोलॉजी की बुक ली थी वो वापस तो कर दो, क्योंकि उसको यहाँ पे एक और के बारे में पढ़ना था जिसके बारे में वो स्केप में रिसर्च कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपने घर पे जाते हैं और वहाँ से अपने डेस्क से वो बुक निकाल के इसको वापस ला के दे देते हैं। अब हम वापस जाने वाले ही होते हैं कि बस वो हमको रोक लेता है और वो हमको ये बोलता है कि वो जो नेशनल टेस्ट है वो भी ये देने वाला है और वो भी अप्लाई करेगा एक यूनिवर्सिटी को जो कि वेस्ट में है। वहाँ पे शायद इन चीज़ों को कॉलेज बोलते हैं और उसके जो पापा हैं पा हैं वो भी इसकी मदद कर रहे हैं इस चीज़ में। तो हम लोग भी गुड लक बोल के यहाँ से निकल जाते हैं। घर पहुँचने के साथ हम अपना किताब खोलते हैं और बायोलॉजी पढ़ने में लग जाते हैं। एक टाइम को तो हम सोचते हैं कि काश हम पार्टी में ही चले जाते क्योंकि पढ़ते पढ़ते मेरी आँख दर्द करने लगी है, बट फिर भी हम पढ़ाई में लगे रहते हैं। February 1954, यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट ऑफिस में एक आदमी एक बूढ़े प्रोफेसर से बात कर रहा होता है कि ये बच्चे ने कितना अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, लाइक बायो में तो उसका काफ़ी अच्छा मार्क्स आया है। फिर वो गेस करते हैं कि प्रोबेबली हम किस यूनिवर्सिटी में जाने का सोच रहे होंगे और वो बोलते हैं सेल्यू, क्योंकि सेल्यू वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में आता है। फिर वो जो बंदा है वो प्रोफेसर से बोलता है कि वहाँ पे तो पीकी सिचुएशन भी होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को छोड़ भी दिया जाता है जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि एक ऐसे बच्चे जिसका परफेक्ट स्कोर आया हो। फिर वो जो आदमी है वो बोलता है कि परफेक्ट स्कोर देना सही नहीं रहेगा, लेकिन हम इसको 99 में रखेंगे, लाइक 99 देंगे उसको मार्क्स, एक नंबर उसका काट लेंगे। लाइक तुमने स्कूल में भी ये देखा होगा कि 100 मार्क्स जहाँ पे दिया जाता है ना उस पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है कि बच्चे ने लिखा किस तरह से है कि उसको फुल में फुल आया, और कहीं मिस्टेक दिख गया तो टीचर की बेइज्जती हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर लोग 100 मार्क्स ना देके 99 देते हैं। खैर बाद में वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि शायद से ये कोई फॉरेनर का रन अवे किड है, एंड प्रोफेसर थोड़ा सा ताना देते हुए बोलते हैं कि फिर उससे हमको क्या मतलब है। March 1954, सेलेडॉन यूनिवर्सिटी डीन्स के ऑफिस में एक ऑफिसर दरवाजे से अंदर आता है और एक पर्सन को एक आंसर सीट देता है। वो पर्सन वो आंसर सीट को डीन को देता है और डीन बोलते हैं, क्या ये सही में कोई एक हाई स्कूल किड है, कहीं कोई साइंस डिपार्टमेंट से हमारा प्रैंक तो नहीं बना रहा ना। तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो बोलता है कि नहीं, मैंने इसका खुद इंटरव्यू लिया है, ये बस एक विलेज का बच्चा है। डीन हमारी आंसर की थोड़ी तारीफ करते हैं एंड बोलते हैं कि प्रोफेसर रोवन ने इसके बारे में क्या बोला। वो पर्सन बोलता है कि प्रोफेसर रोवन चाहते हैं कि हम उनके अंडर में काम करें। फिर डीन बोलते हैं कि ये तो अब वह जाएगा अपने कंट्री को छोड़ के वहाँ पढ़ने के लिए, बस तुम इस चीज का ध्यान रखना कि ये प्रोफेसर बन के ही वापस आए, अदरवाइज ये हमारे टैलेंट का वेस्ट होगा और हमारे लिए एक शर्मनाक बात होगी। March 14, 1957, वर्मिलियन पोर्ट में मैं घर आ गया। ऑलराइट, चलो फिर काम करते हैं। जैसे ही हम पोर्ट से बाहर निकलते हैं हमको एक अच्छा सा सरप्राइज मिलता है। हमारे तीनों दोस्त हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। हम चारों एक दूसरे से बात करते हैं, अपना हाल चाल पूछते हैं एंड फिर बात चलती है कि मेरे जाने के बाद वहाँ पे हुआ क्या आखिरकार। इतना बताती है कि उन तीनों ने भी नेशनल एंट्री वाला एग्जाम दिया बट वो तीनों के तीनों ही फेल कर गए और इसके वजह से उनको भेज दिया गया कैंटो रीजन में पढ़ाई करने के लिए। धीरे धीरे टाइम गुजरते गया और इतना अभी एक वेटरेस का काम कर रही है। बाकी अगेथा और सैम बाकियों की तरह ही अपने कैरियर में आगे बढ़े। फिर सैम बताता है कि अभी वो लोग टेमर्स बन चुके हैं एंड उसके बाद अगेथा एक्सप्लेन करती है थोड़ा सा कि हमारे जाने के बाद हमने उनको कोई लेटर वगैरह नहीं लिखा तो उसके रिप्लाई में वो कुछ दे नहीं सकते थे क्योंकि उनको हमारा एड्रेस वगैरह नहीं पता था। तो हमारे जाने के ठीक बाद कुर्त ने एक तरीका ढूंढा जिसके कारण से वो क्रिएचर्स को एक छोटे से डिवाइस में पकड़ सकता था। इतना एक्सप्लेन करती है कि हाँ, उसने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया कि हम एप्रिकेंस का यूज करके उन क्रिएचर्स को पकड़ सकते हैं। ये सब सुनने के बाद हम पीछे मुड़ के कुछ सोचते हैं
दिमाग में और अगेथा बोलती है कि अब तो तुम हमसे मुंह ना ही छुपाओ तो अच्छा है सैमुएल ओक। एंड फिर हमको पता चलता है कि ये जो सैमुएल ओक जो नाम है वो सरनेम हमारे माँ के नाम से आया है और अब हम उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि यंग जनरेशन को उतना इन सब चीजों से मतलब नहीं है। उसके बाद एथना बताती है कि सैम ने अभी जो ठग वाला मारपीट वाला काम है वो छोड़ दिया है, अभी वो टेमर्स के अदर क्रिएचर्स के साथ बैटल करता है और उससे उसकी अर्निंग होती है। हम थोड़ा सोचते हैं कि कुछ चीजें कभी भी नहीं बदली जा सकती। इतना ये भी बताती है कि सैम ने अभी एक अपना छोटा सा कंपनी खोला है और वो चल रहा है। उसके बाद बातों बातों में ये चीज खुलती है कि वो जो क्रिएचर्स पकड़ने वाली चीज है जो डिवाइस है उनके पास वो चीज यूनोवा में ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी थी, वो भी 19th सेंचुरी में ही, यहाँ तक कि वो सबसे पहले कलॉस में डेवलप हुआ था। तो क्योंकि वो लोग भी टेमर्स थे उसके पास भी क्रिएचर्स थे और हमारे पास भी क्रिएचर्स थे और इन क्रिएचर्स को हम पोकेमॉन कहते हैं लेकिन अभी तक हमको इसके बारे में नहीं पता। तो हम लोग एक दूसरे को ट्राई करने के लिए एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं। ओके यहाँ पे अभी थोड़ी टेक्नोलॉजी वाली बातें चल रही थी आई गेस सो जो भी वहाँ पे बोल रहे थे वो बट बेसिकली अभी पुकल इवेंट। ओ माय गॉड मेरा फर्स्ट पुकल टॉरस है। अच्छा प्रोफेसर ओक का स्टार्टर टॉरस नाइस। अरे मूव क्या कर सकते हैं यार, फ्लेम थ्रोअर वगैरह कर सकता है, फ्लेम थ्रोअर कर सकता है टॉरस, I don't know about that man। इसके बाद हम लोग दो बार अपना पेडे स्पैम करते हैं एंड फ्लैरियन वहीं पे ढेर हो जाता है। इसमें बस मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही भाई, ये टॉरस इतना छोटा क्यों है। बैटल के बाद एथना का चेहरा देख के लग रहा था कि वो काफी खुश है और काफी मजा आया है उसको बैटल करके। वो जाके अगेथा को बोलती है कि चलो अब तुम बैटल कर लो। अरे ये लड़की शर्मा क्यों रही है भाई अगेथा, समझ रहा हूँ मैं कुछ कुछ। अब क्योंकि अगेथा शर्मा रही थी तो हम ही जाके उसको अप्रोच करते हैं एंड बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो बेचती अपना जिग्लीपफ जो कि मेरे टॉरस के साइज के लिए इक्वली लग रहा था। तो हम लोग पहले कर लेते हैं फ्लेम थ्रोअर जिससे उसका उतना ज्यादा तो हेल्थ नहीं जाता बट ठीक ठाक जाता है। वो करती है हम पे पॉन्ट, हम लोग फिर से फ्लेम थ्रोअर करते हैं उसका काफी हेल्थ चला जाता है एंड एंड में हम लोग अपना पेडे करके उसको हरा देते हैं। उसके बाद आता है सैम। सैम को बोलता है कि तुमने पहले सही बोला था, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से बैटल नहीं जीती जाती। उसके बाद वो हमसे कुछ फालतू के सवाल पूछता है और हम उसका आंसर नहीं देते और उसके कारण वो गुस्सा होकर हमसे बैटल करने लग जाता है। बैटल में वो अपना म्याउत भेजता है एंड हम उसको तुरंत में हरा देते हैं। उसके बाद एथना आती है और वो जॉन को काम डाउन करवाती है क्योंकि जॉन इससे पहले एक भी बैटल में नहीं हारा था। एक तो इसका जो पसीने छूट रहे ना वो देख के मेरे को बड़ा फनी सा लग रहा है यार इसका फेस। उसके बाद हम थोड़ा बहुत और बात करते हैं एंड जॉन अब शांत हो जाता है। हम सबको ये बताते हैं कि हम यहाँ पे एक नया सोसाइटी वाला सिस्टम लाने वाले हैं जहाँ पे ये जो टेमर्स वाली चीज तुम लोग बोल रहे हो उसको हम प्रोफेशनल ट्रेनर्स टाइप की चीज कुछ बनाएंगे और एक लीग स्टेबल करेंगे। इसके कारण जो भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स वगैरह होंगे उनको भी अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा, मुझको अपना लैब भी बनाना पड़ेगा एंड सेलेडॉन यूनिवर्सिटी में जाके बात भी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और क्योंकि कैंटो रीजन में लैंड बहुत सस्ता है तो ये जगह इसके लिए परफेक्ट रहेगा। इसके बाद एथना अगेथा को ले जाती है और बोलती है कि अब थोड़े लड़के लोगों को भी बात करने दो। जॉन हमको बोलता है कि वो बेस्ट टीमर बनेगा इस कंट्री का और क्योंकि हमने बोला कि इसमें पेमेंट भी अच्छा खासा है तो उसके लिए ये अर्निंग का सोर्स भी बन जाएगा। फर्दर वो हमको बताता है कि हम अब काफी कम बात करने लगे हैं उस टाइम के मुकाबले जब हम हाई स्कूल में थे तब। वो हमको बताता है कि अगेथा अभी भी हमको पसंद करती है बट हम पहले के तरह ही थे, हमने बोला कि हमको रिलेशन वगैरह में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझको बस अपना नॉलेज पे ध्यान देना है। उसके बाद जॉन मेंशन करता है कि वो शादी करने वाला है एथना से और हमको बोलता है कि उस होटल में आके मिल ले जहाँ पे एथना काम किया करती थी। हम वाओ और कांग्रेचुलेशन कंप्लीट भी नहीं करते हैं उससे पहले ही जॉन निकल जाता है वहाँ से। अब हम पोर्ट से निकल के वर्मिलियन सिटी की ओर जाते हैं एंड वहाँ पे थोड़े घर वगैरह देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। हम एक घर में एंटर करते हैं और वहाँ से एक दादाजी और उनकी पोती निकलती है। दादाजी अपने पोती पे काफी गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनकी जो पोती है वो जिद लगाई हुई थी कि वो उसे एक टेमर बनना है और दादाजी चाहते थे कि उनकी पोती उनके तरह ही खेतों में काम करे क्योंकि उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं और एक सेफ कैरियर रहता है। बट उनकी पोती जिद लगाए रहती है कि टेमर बनने के बाद वो अपनी मन मर्जी का कर सकती है, पूरा घूम सकती है। दादाजी वहीं बोलते हैं कि क्या 50 साल मैंने इसी तरह फालतू में बिताए हैं इन खेतों पे। एंड में दादाजी हमारे पास आते हैं एंड हमको बोलते हैं कि तुमने सही किया, मतलब वो पुराने लोगों की कहावत है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। उसके बाद दादाजी और उनकी पोती दोनों चले जाते हैं यहाँ से। इसके बाद हम उसी रूम में वापस जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये वही होटल है जहाँ पे एथना एक वेटरेस का काम करती थी। हम देखते हैं कि अगेथा और एथना बैठी हुई होती है और फिर अगेथा हमसे जॉन के बारे में पूछते हैं।
अब वो तो हमसे पहले ही निकल चुका था, तुमको क्या ही पता होगा। फिर इतना थोड़ा सा गुस्सा करती है और बताती है कि वो तेरा हॉट हेडेड है, तो वो पक्का ही चलो इधर उधर भाग गया होगा कहीं पे। बाकी फिर इतना टॉपिक पे आती है और हमको बोलती है कि पिछली बार वो थोड़ा जल्दी में थे इसलिए वो बताना भूल गई, लेकिन सेलेडॉन सिटी में अगर हमको जाना है तो वहाँ पे जाना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उसके बगल है सैफ्रन सिटी जहाँ पे एक चेक पॉइंट वाला काम चल रहा है, तो वो लोग जाने नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा भी एक रास्ता है, हम चाहे तो जा सकते हैं फ्यूशिया सिटी में और वहाँ पे रूट 18 का नॉर्थ वाला रास्ता लेकर सीधा हम रूट 16 पे जाके फिर सेलेडॉन सिटी में पहुंच सकते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि रूट 18 से रूट 16 पे जाने के लिए हमको बोट लगेगा और वो बोट काफी रेयर है मिलना, क्योंकि वो रास्ता काफी डेंजरस है और सेलर ज्यादा पैसे भी लेगा अगर हम उस रास्ते से जाते हैं। तो इस सिचुएशन में एथना हमको सजेस्ट करती है कि थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा इधर उधर घूम ले और अपना काम कर ले, हमको अपना जमीन वगैरह देखना है ना वो भी हम देख ले। उसके बाद एथना बोलती है कि अगर हम चाहें तो हम रूट 12 पे आके उनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबली जॉन जो है वो वहीं पे भागा होगा और टीमर्स से जाके बैटल करके अपना ताकत बढ़ा रहा होगा। ये कहने के बाद एथना चली जाती है एंड फिर अगेथा बोलती है कि पक्का ही एथना और जॉन एक दूसरे के लिए बने होंगे, क्योंकि जब भी जॉन को गुस्सा आता है तो एथना ही जाती है उसको काम डाउन करवाने के लिए। उसके बाद अगेथा सैम बोलती है और हम बेहोश हो जाते हैं। June 7, 1947, सेबी के चौथे आइलैंड में बच्चे चिल्लाते हैं फॉरेनर फॉरेनर भागो भागो, तभी जॉन आता है और हमारी मदद करता है। हमको बताता है कि कम ऑन सैम, सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ने से ये सारी चीज नहीं होती, हमको ताकतवर होना होता है। हम सैम को बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, फ्यूचर वेस्ट में लाई करता है, मतलब पढ़ाई से फ्यूचर बनेगा आगे। जॉन बोलता है क्या तुम्हारे दिमाग में अभी भी तुम्हारे पापा चल रहे हैं, चलो कभी तुम्हारे घर फिर से जाते हैं, मुझे तुम्हारी कुकीज खाने का बहुत मन करता है। हम मन में सोचते हैं वो पक्का हमारे पापा से बात करना आता होगा क्योंकि उसे हमारे पापा पसंद है, एंड हम बोलते हैं ऑल राइट लेट्स गो। सैम क्या तुम ठीक हो? हम अगेथा को बताते हैं कि हमारी जो पुरानी मेमोरीज है वो थोड़ा सा वापस आ गई थी। अगेथा बोलती है मिडिल स्कूल वाली, हाँ उस समय हमारी सिचुएशन थोड़ी दयनीय थी, लेकिन अगर तुम उस फीलिंग्स को अभी लाओगे ना तो यहाँ पे तुम ठीक से जजमेंट नहीं कर पाओगे। मैं अभी भी तुम्हारे आंखों में वही वाली बिटरनेस देख पा रही हूँ, लगता है वेस्ट में जाने से तुम उतने ज्यादा बदले नहीं हो, लेकिन अब तुम घर पे आ चुके हो, तुमको खुद को एक बोतल में बंद करके रखने की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं कि हम अपने पास्ट को एसाइड रख चुके हैं और हमको इसके बारे में अभी बात नहीं करना। अगेथा बोलती है कि तुम अभी तक नहीं समझे, मैं एंड उसके बाद वो बोलती है कि मुझे इस चीज के बारे में बात नहीं करनी। फिर हम उसको बोलते हैं कि ये जो टेमर वाली चीज है इसके बारे में मुझे और बताओ, एंड वो मन में सोचती है कि तुम्हें इसके बारे में क्यों परवाह है। वो बताती है कि वो जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें वो ताकतवर नहीं है और उसको पसंद नहीं है वहाँ पे काम करना। हम बोलते हैं कि तुम इसको गलत ले रही हो, क्योंकि ये जो जॉब है ये आगे जाके काफी डिमांडिंग जॉब होने वाली है। अगेथा बोलती है कि मैं जा रही हूँ रूट 12 पे, तुम चाहो तो आ सकते हो और हमको थोड़ा खा सकते हो इनकी रीच हो इसके बारे में। बाकी हम सोचते हैं कि अब तो हमको थोड़ा सा अपना लैब वगैरह वाला काम करना है, तो हमको चीजें एक्सप्लोर करनी ही है, तो चलो चलते हैं वहाँ पर। अब हम इस होटल या फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं एंड हम जाते हैं एक पर्सन के पास जिसने स्टॉल लगा रखा होता है। हमको बोलता है कि जो पीस ऑफ लैंड है वो उसके पापा की है और वो यहाँ पे घर बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको थोड़े पैसे कमाने पड़ेंगे एंड इसलिए वो ये सामान बेच रहा है। तो हम उससे एक ग्रीन एप्रिकॉट खरीद लेते हैं जो कि हमको 400 रुपए का पड़ता है। फिर हम जाते हैं रूट 6 की ओर और वहाँ पे काफी सारे ट्रेनर्स होते हैं, तो हम पहले ट्रेनर से लड़ते हैं जिसके पास होता है नीडोरैन। अब यहाँ पे पहली बार तो हम पेड़े करते हैं, फिर हम फ्लेम थ्रोअर कर करके उसको हराने की कोशिश करते हैं, बट उसके डबल किक ने हमको बहुत ज्यादा डैमेज दे रखा होता है। और यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पे हील वगैरह नहीं करवा सकते, तो हम फिर से वही स्टॉल पे जाते हैं, वहाँ से एक एनर्जी पाउडर खरीदते हैं एंड उसको हील करने के लिए यूज करते हैं। फिर मेरे को पता चलता है कि हमारे पास 10 पोशंस पहले से ही थे। हम उस एनर्जी पाउडर को अपने टॉरोस पे यूज कर लेते हैं एंड फिर यहाँ से रूट 6 की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पे हमको एक ट्रेनर मिलता है, उसके रैटेटा को हम तुरंत में हरा के फिर आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पे हमको एक मोहतरमा दिखती है जो कि एक दूसरे पर्सन से लड़ाई कर रही होती है। वो बोलती है कि उसने उससे बैटलर मांगा था और उसने उसको फीडर दे दिया। वो पर्सन जो ब्रीडर था वो बोलता है कि हमारे उसूल साफ है, जो हमको ज्वाइन करेगा हम सिर्फ और सिर्फ उसी को बैटलर देते हैं। फिर वो जो कस्टमर है वो बोलती है कि लेकिन तुमने तो बोला था यहाँ पे कैटरपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोकेमन है। हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोकेमन है। फिर वो लड़की थोड़ा हंगामा मचाती है कि यहाँ पे ये सारे लुटे
रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल चीज़ें मत खरीदना, तुम चाहो तो वर्मिलियन सिटी के लाइक ब्रीडर से जाके खरीद सकते हो पोकेमंस। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमको एक और ट्रेनर मिलती है और उसके पास होता है एक जियो डूड। अब हमारा पेड़े का यहाँ पे पीपी खत्म हो चुका था, तो हम फ्रस्ट्रेशन मारते मारते एक बार खुद ही फेंट हो जाते हैं। फेंट होने के बाद हम फिर से रूट के स्टार्टिंग में पहुंचते हैं एंड फिर से आके इस पे फ्रस्ट्रेशन स्पैम करके इसको हरा देते हैं। हम लोग 2% से अपना हेल्थ रिकवर करते हैं एंड फिर आगे जाते हैं। आगे हमको एक एप्रिकन का पेड़ मिलता है, वहां से हम एक व्हाइट एप्रिकन लेते हैं एंड आगे वाले लोगों से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, यहाँ पे चेक पॉइंट का कोई काम चल रहा है। अब जब मैं ये गेम खेल रहा था ना, तो मेरे को ये ध्यान में नहीं था कि ये रूट 6 है या फिर 12 है, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं आगे निकल गया था। तो वापस आके हम पहले रूट 11 पे जाते हैं एंड वहाँ पे काफी सारे बैटल्स करते हैं। उसके बाद एक बटरफ्ली को हराने के बाद हमारे टॉरस लेवल 15 पे पहुंच जाता है और वो सीखने की कोशिश करता है परस्यूट, तो हम इरिड को हटा के परस्यूट को सिखा देते हैं। इसके बाद हम कुछ और बैटल्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड हमारा हेल्थ थोड़ा घटता है, तो हम पोशंस वगैरह यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 पोशंस बचते हैं एंड उसके बाद हमको एक टीम मिलती है। अब इनसे बात करने पे हमको पता चलता है कि ये काफी गुस्सैल है और ये दूसरे ग्रुप ऑफ टेमर्स या फिर दूसरे टेमर्स को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। ये लोग पोकेबल को एप्रिकॉन कैप्सूल बोलते हैं और उसको थोड़ा लाइक ज्यादा वैल्यू देते हैं। बाकी इन सबसे बात करने के बाद हम लोग ऊपर जाते हैं एंड वहां पे हमको मिलता है एक ट्रेनर जिसके पास होता है एक एकंस। हम उस पे 2 बार फ्रस्ट्रेशन मारते हैं और वो तुरंत में ही हार जाता है। इसके आगे जाने के बाद हमको मिलता है रूट 12। रूट 12 के ऊपर साइड जाने के बाद हमको कुछ और ट्रेनर्स मिलते हैं, हम उसको हराते हैं और फिर एक ट्रेनर मिलता है जिसके पास एक आरबॉक होता है। आरबॉक हम पे पॉइजन स्ट्रिंग करता है एंड हम पॉइजन हो जाते हैं। वो फिर हम पे बाइट करता है और हमको काफी गंदा डैमेज पड़ता है। हालांकि हम आरबॉक को हरा देते हैं बट उसके पास एक ग्लूम भी होता है, तो नेक्स्ट टर्न में ग्लूम हमको हरा देता है। अब मैं देखो यहाँ पे पोशंस भी यूज नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे पोशंस काफी लिमिटेड थे यार। हारने के बाद हम रूट 12 के नीचे वाले साइड जाते हैं एंड वहाँ पे हमको एक घर दिखता है जिसके अंदर एक पर्सन होता है। वो पर्सन हमको ये बोलता है कि मैंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि हमारे आगे वाला जो ब्रिज है वो अभी तक बना नहीं है, जो कि बन जाना चाहिए था उसको। वो ब्रिज रूट 12 को रूट 13 से कनेक्ट करता है एंड वो हमको ले जाता है सीधा फ्यूजिया सिटी में। उसके काफी सारे रिलेटिव्स भी फ्यूजिया सिटी में रहते हैं जो कि यहाँ पे नहीं आ पाते। उसके बाद हम फिर से रूट 12 के ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं, उस आरबॉक को हराते हैं। जैसे हम उसको हराते हैं तो हमारे टॉरस रेस्ट सीख रहा होता है एंड मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे मेरा टॉरस रेस्ट नहीं सीखता ना, मैं प्रोबेबली इस बैटल को फिर से हार जाता। तो आरबॉक के बाद ग्लूम आता है एंड 2-3 बार रेस्ट करने के बाद एक लंबे चौड़े टाइम के बाद हम बैटल जीत जाते हैं। इसके बाद हमको एक और ट्रेनर मिलता है जिसको हम बहुत आराम से हरा देते हैं एंड उसको हराने के बाद जैसे ही हम आगे जाते हैं तो हमको दिखती है अगेथा। वो हमको बताती है कि जॉन हमसे हारने के बाद बिल्कुल पागल हो गया था और खुद को प्रूव करने के लिए वो चला गया एक लोकल गैंग के लीडर से लड़ने के लिए। एथना ने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो दोनों अब मुसीबत में पड़ चुके हैं। हम मन में सोचते हैं कि रोल कितना रिवर्स हो गया, लाइक बच्चे में वो हमको बचाता था एंड अभी हम उसको जा रहे बचाने के लिए। अगेथा हमको बताती है कि उसको इस चीज से काफी डर लग रहा है, तो वो वहां पे लैवेंडर टाउन के एक होटल में रुकेगी। और तो और वो ये बताती है कि उसको अब नर्सिंग का कोई चीज आने लगा है, तो वो क्रिएचर्स को हील कर सकती है थोड़ा बहुत। हम उसको बोलते हैं बिना किसी प्रॉपर केमिकल के और फिर बोलते हैं कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुमको बता दूंगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था। फिलहाल के लिए हमको जाना है लेवेंटर टाउन एंड वहां से रूट 8 की ओर जाना है अगर हमको जॉन को बचाना है। तो हम लोग सीधे सीधे रास्ते को फॉलो करते हैं एंड पहुंच जाते हैं लेवेंटर टाउन में। यहां पे हम लोग थोड़े बहुत लोकल लोगों से बात करते हैं कि क्या माहौल है और क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगी हमको यहां पे, जहां पे हमको एक लेडी भी मिलती है जो कि एक जॉल्टियन बेच रही होती है, जो कि फर्दर एक अच्छी चॉइस हो सकती थी मेरे लिए, बट पैसे वो काफी ले रही थी, 5,000 रुपए ले रही थी और हमारे पास तो बस। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अगेथा के पास और वो हमारे पोकेमंस को हील कर देती है। फिर हम उस होटल रूम से बाहर निकलते हैं एंड थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते हैं, तो हमको एक सामान बेचने वाले अंकल जी फिर से मिल जाते हैं। उनसे हम वैसे तो कुछ खरीदते नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी कम रुपए थे, तो हम निकल जाते हैं रूट 10 की ओर क्योंकि हमारे पोकेमन के लेवल कम रहते हैं और अगर हम डायरेक्टली रूट 8 पे जाएंगे तो मे बी हो सकता है कि हम हार के आ जाएं। ऑल्सो गेम के इस पोजीशन तक मैंने अभी तक एक भी पोकेमन नहीं पकड़ा था क्योंकि मैं इस बात से अनजान था कि मेरे पास पोकेबल्स भी थे, बट मेरे पास थे। तो रूट 10 के सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद हम फिर चले जाते हैं रूट 8 पे एंड वहां भी हमको काफी सारे ट्रेनर्स मिलते हैं। उनमें से कुछ के साथ हम बैटल करते हैं एंड फिर हम नोटिस करते हैं कि अच्छा हमारे पास पोकेबल्स अभी है, तो हमें एक दो और पोकेबल्स पकड़ लेने चाहिए। तो रूट के ही ग्रास पे हमको एक सैंचरू मिलता है 19 लेवल का जिसको हम आराम से पकड़ लेते हैं एंड उसका निकनेम रख देते हैं सूरा। हम अपना दूसरा पोकेबल पकड़ते हैं पीजी क्योंकि वो एक फ्लाइंग टाइप था एंड हमारी टीम के लिए सुटेबल था और इसका निकनेम हम रख देते हैं चुचू। गंदा गंदा सा क्यों सुनाई
दिखाई दे रही है। खैर उसके बाद हम थोड़े और ट्रेनर से बैटल करते हैं एंड टॉरसन अपने टीममेट्स का लेवल अप करते हैं एंड डायरेक्टली पहुंच जाते हैं जॉन के पास। वहां जाने पे हमको ये पता चलता है कि वो जो लोकल लीडर है वो है कोगा और उसने एथना को बंदी बना के रखा है। तो हम लोग हेड टू हेड कोगा से बात करते हैं एंड एक बैटल के लिए रेडी होते हैं। अगर हम उस बैटल में जीत जाते हैं तो एथना को वो छोड़ देगा। बैटल स्टार्ट होती है एंड कोगा का पहला पोकेमॉन होता है वेनमोथ जो कि हमको तुरंत में ही पॉइजन कर देता है लेकिन दो फ्रस्ट्रेशन के बाद वो हार जाता है। नेक्स्ट उसका पोकेमॉन आता है विक्ट्रीबेल एंड हम लोग लाते हैं पीजी को। पीजी दो बार अपना ग्रस्ट करता है लेकिन उसको उतना ज्यादा डैमेज भी नहीं पड़ता एंड लास्ट टाइम हम क्विक अटैक करते हैं क्योंकि कुछ न होने से कुछ होना बढ़िया है भैया। फिर हमारा टॉरस आके एक बार फ्रस्ट्रेशन करके उसके विक्ट्रीबेल को हरा देता है। नेक्स्ट उसका पोकेमॉन आने वाला था आइवेसोर। अब हम यहाँ पे ले आते हैं अपने शूरा को अपने शैंचरू को एंड एक फुल हील यूज कर देते हैं अपने टॉरस पे क्योंकि वो पॉइजन था। लकली हमारा शूरा एक मूव सर्वाइव कर जाता है बट उससे हमारा कोई भी फायदा नहीं हो पाता। नेक्स्ट टर्न में टॉरस आता है दो बार फ्रस्ट्रेशन करने के बाद वो आइवेसोर को हरा देता है। अब हमसे कोगा पूछता है कि भाई तुम हो कौन जो तुम इतने पावरफुल हो। तो हम बताते हैं कि हम लीग के रिप्रेजेंटेटिव है और कहीं बाहर से आए हैं और हम कुछ टीमर्स को लाइक ऑफिशियल जॉब देना चाहते हैं ये चीज का। ऊपर से तुम बहुत पावरफुल हो तो मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ यहाँ पे। ओह तो दैट थिंग हैपेंड इन द पास्ट। लाइक तुमको पता ही होगा कि कोगा कितना बड़ा लाइक क्या बोलो धूर्त आदमी है बट प्रोफेसर ओक ने उसको जिम लीडर बनाया। अच्छा इसके स्टोरी के हिसाब से ये चीज है। तो कोगा को अभी हम पे विश्वास नहीं होता क्योंकि उस जैसे ही गुंडे वाले लोग को एक जिम लीडर का जॉब मिलने जा रहा था। तो पहले हम उसको समझाते हैं एंड उसको विश्वास दिलाने के लिए उसको थोड़ा सा पैसा एडवांस देते हैं। ओह माय गॉश 10,000 रुपए दे दिए हमने 10,000 पोकी डॉलर से। अब तो भैया वो काम कैसे जरूर करेगा यार। कोगा भी खुश हो जाता है लेकिन वो पूछता है कि मेरे भाई का क्या होगा। तो हम उसको बोलते हैं कि तुम इतना मत समझना कि तुमको मैंने जितना दिया है तुम्हारे भाई को भी उतना ही मिलेगा। तुमको उसको अपने साथ रखना पड़ेगा एंड उसको भी 1/3 मिल जाएगा। अभी के लिए तुम जॉन और इतना के सारे पोकेमॉन्स को वापस करो एंड मेरा वर्मिलियन सिटी में इंतजार करो। कोगा मन में ही सोचता है कि आज उसका लकी दिन है एंड इतने सारे पैसे से वो एक पत्नी तो बना ही लेगा। इतना बोलने के बाद ही कोगा ग्रुप को डिसबैंड करके चला जाता है वर्मिलियन सिटी में एंड एथना पहले जॉन के पास जाती है हालचाल पूछती है फिर हमारे पास आके थैंक यू बोलती है। हम बोलने वाले ही होते हैं डोंट मेंशन इट। तभी जॉन वहां से भाग जाता है। आई थिंक ना जॉन को थोड़ा जलन हुआ लाइक ये उसकी बंदी थी और हमने इसको प्रोटेक्ट किया इसके कारण मेरे को ये चीज करनी नहीं चाहिए थी बट इट्स ऑल राइट मैन। एथना हमको बोलती है कि जो काम को जॉन बहुत देर से नहीं कर सका वो हमने मिनटों में कर दिया इसलिए वो गुस्सा होके भाग गया था वहां से। अब एथना जा रही है लेवेंडर टाउन के उसी होटल में जहाँ पे अगेथा बैठी हुई है और हमको वो बोल रही है कि हम वहाँ पे आए। तो हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से सीधा लेवेंडर टाउन के उस होटल में और वहाँ पे हम लोग को वो तीनों बैठे हुए मिलते हैं। हम सब पहले एक दूसरे से बात करते हैं एंड सुलह करते हैं जो हमारे बीच में हुआ था। उसके बाद एथना हमको बताती है कि जॉन ने कुछ कॉन्टेक्ट किया अपने दोस्तों के साथ और कुछ यहाँ पे नए टाउन से जहाँ पे हमको बहुत सस्ते में लाइक लैंड मिल सकता है अपने लैब के लिए। फिर अगेथा का आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग साथ में ट्रैवल करें। जॉन भी अपना मुंह खोलता है और हमको बोलता है कि उसे हमसे काफी कुछ सीखना है एंड फिर हमको हराना है। उसके बाद टॉपिक आ जाता है अगेथा के हीलिंग को लेकर और हम अगेथा को सिखाते हैं केमिकल का यूज जिसका यूज करके वो पोकेमॉन्स को काफी अच्छे से हील कर सकती है। उसको देख के सारे लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि साइंस काफी अमेजिंग है। इसके बाद वो तीनों सोचते हैं कि क्यों ना हम इस चीज का यूज बैटलिंग में करें लाइक जैसे हमारे पोकेमॉन फेंट होंगे हम हील करेंगे और फिर ट्रेनिंग करेंगे फिर स्ट्रांग बनेंगे इससे हम काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। बट हम इस चीज के लिए मना कर देते हैं क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता था। इसके बाद जॉन और एथना यहाँ से चले जाते हैं एंड अगेथा हमको बोलती है कि मैं तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ तुमको ओपन अप होने में। ओपन अप का मतलब तुम समझ रहे हो बेसिकली। मैं भी समझ रहा हूँ। ये जो सैब है ना ये बुड्ढा ये इसको पढ़ाई की बस चिंता है भाई इसको कुछ समझ नहीं आता। फिर सोचते सोचते मुझे अचानक से याद आता है कि पहले तो मेरे को कोगा के पास जाना है जो कि वर्मिलियन सिटी में मेरा इंतजार कर रहा है। तो हम दौड़ते दौड़ते बहुत लंबा रास्ता तय करते हुए पहुंच जाते हैं फिर से वर्मिलियन सिटी में एंड वहां पे हमको मिलता है कोगा। हम लोग कोगा से बातें करते हैं एंड उसको उस प्लेस पे ले जाते हैं जहां पे उसका जिम तैयार होने वाला होता है। हम उसको सब कुछ बताते हैं लीग सिस्टम के बारे में एंड एक पोकेमॉन जिम क्या होता है और उसको क्या करना होता है। हम उसको ये भी बताते हैं कि हम जो उसको इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है जो उसको मिलने वाला है। साथ ही साथ पोकेमॉन जिम में उसकी
पोजीशन एक जिम लीडर की होगी एंड उसके इर्द गिर्द भी काफी सारे ट्रेनर्स होंगे। जब भी कोई लोकल ट्रेनर उसको आके हरा देगा तो उसको वो एक डिवाइस देगा जिसको कहते हैं जिम बैच। और जब भी कोई लोकल ट्रेनर साले एलिजिबल बैचेस लाइक कलेक्ट कर लेगा जिम बैचेस को, तो वो जाके चैलेंज कर सकता है फिर लीग को। फिर कोगा हमसे सवाल करता है कि क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस सब चीज के लिए मानेगी कि एक विदेशी कंपनी हमारे कंट्री में आके ये सब काम करे। तो उसमें हम रिप्लाई देते हैं हाँ कि टाइम चेंज हो चुका है अभी, और अभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। अभी बस हमको सेलेडॉन सिटी में जाके ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वाली चीजें करनी है और तब कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, लेकिन तब तक कोगा को वेट करना पड़ेगा। अब सवाल ये था कि क्या कोगा वेट करेगा तब तक, क्या वो हम पे भरोसा करेगा? तो कोगा कहता है कि हम बहुत ताकतवर है, जब हमसे वो बैटल किया था तभी उसको वो पता चल गया था, और हमने जो उसको पैसे दिए थे वो भी रियल है। उसके पास पाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो हमारा इंतजार करेगा। बट इस पे वो एक शर्त रखता है कि उसका जो जिम होगा ना वो खुद ही कस्टमाइज करेगा अपनी जिम को। और ये आइडिया हमको काफी अच्छा लगता है। हम ये चीज सलाह अपने लीग को भी करते हैं कि सारे लाइक जो भी जिम्स हो उसके जिम लीडर ही बनाए और ये चीज लागू हो गया जाकर। ऐसा बोलते ही कोगा खुश होकर चला जाता है और हमको फिर जाना होता है रॉक टनल में, क्योंकि हमारे दोस्त वहां पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो हम फिर से निकल जाते हैं अपने ट्रैवलिंग पे और काफी देर लगता है हमको वहां पे पहुंचने में। ये एक्चुअली तुमको थोड़ा सा वो वाला फीलिंग भी देगा क्योंकि ये गेम थोड़ा सा लाइक पुराने जमाने पे बेस्ड था ना, जहाँ पे ट्रैवलिंग का साधन नहीं था, फ्लाई वगैरह नहीं थे, तो ये तुमको थोड़ा पास्ट का टेस्ट भी देगा, बट कभी कभी ये चीज एनोइंग हो जाती है यार। बाकी फिर हम पहुंच जाते हैं रॉक टनल में एंड तभी हमको एक पीछे से आदमी एक पार्सल देके जाता है और बताता है कि ये किसी मिस्टर एफ ने हमको दिया है। ये कौन बंदा था भाई? तब एक अचानक से भाई एक वियर्ड सा बंदा आता है, मेरे को पोषण और रिपल देके चला जाता है। What the hell? फिर ये सारी चीजों को भुला के हम लोग केव में अंदर जाते हैं एंड तभी हमको वहाँ पे एक ट्रेनर मिलती है जिसके पास होता है एक खतरनाक सा ऑनिक्स। अब हमारे टॉरस के पास ज्यादा कोई मूव्स नहीं होते, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन होता है और उससे उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। तो हम स्विच करके अपने सैंचुरी को ले आते हैं, मैग्नीट्यूड करवाते हैं एंड उसको हरवा देते हैं। भाई इस बंदे को ड्रैगन प्रेत आता था, ओ माय गॉश। ओके, इसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो हमको वहाँ पे एक वियर्ड सा प्लांट दिखता है। जैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो एक एनर्जी रूट है जिससे पोकेमॉन का हेल्थ बढ़ सकता है। ओह अच्छा, ये प्लांट में लाइक एनर्जी रूट्स वगैरह भी मिलते हैं ऐसे? That's nice. मतलब पिछला जो प्लांट वगैरह था तुमको काफी जगह प्लांट दिखा था वैसा, क्या वहां पे भी हमको ये चीजें मिल सकती थी? आई डोंट नो, मेरे को ट्राई करना चाहिए था यार, लाइक होना चाहिए था ऐसा। अब यहाँ पे इस केव का रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ऑल्दो मेरे को केव्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते पोकेमॉन गेम्स में, मेरे को बहुत अनोइंग लगता है यार केव में। और अगर मैं तुमको एक टिप भी दूं ना, तो केव्स को पार करने का तरीका यही है कि पूरा का पूरा केव को एक्सप्लोर करो तभी तुम निकल पाओगे भैया, नहीं तो तुम बीच में अटक जाओगे। ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन्स हमको मिल रहे थे, जब डिगलेट मिलता है तो वो पता है उसका एक एबिलिटी होता है एरिया ट्रैप करने का, कि तुम भाग नहीं सकते, तुमको उसको हराना ही पड़ेगा। फिर हमको पता चलता है कि हमारे बैग में काफी सारे रीपल्स भी है। एक मेरे पास 22 रीपल है यार, मैं रीपल यूज ही नहीं कर रहा था। अब टाइम आया है पोकेन भगाओ यंत्र यूज करने का। अब यहाँ से चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होनी चालू हो गई थी, बैटल्स थोड़े डिफिकल्ट होने लगे थे एंड हमारे पोकेमॉन सभी फर्स्ट स्टेज पे ही थे, बट फिर भी हमने काफी सारे ट्रेनर से बैटल किया एंड एंड में हमारे पीजी और हमारा सैंसुरू साथ में इवॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा सैंसुरू क्रस क्लॉ सीखना चाहता था, और क्योंकि हमारे पास दो मूव्स ऑलरेडी नॉर्मल वाले थे तो हमने फ्यूरी स्वाइप्स को हटा दिया, फ्यूरी कटर को रहने दिया। इसके बाद हमने केव में काफी ज्यादा टाइम बिताया, काफी ज्यादा ट्रेवल किया एंड फाइनली हमको मिलता है जॉन। पहले तो हमें बोलता है कि अगेथा और एथना कहीं भटक गए हैं और मिल नहीं रहे हैं। फिर जब हम उस पे जोर लगा के बोलते हैं तब वो बोलता है कि अगेथा और एथना हमारा इंतजार कर रहे हैं बैटल करने के लिए, तो हमको पहले उसको हराना पड़ेगा एंड तब हम आगे जा पाएंगे। हम थोड़ा इस चीज पे डिसएग्री करते हैं, तभी वो हमको एक ताना देता है कि तुम थोड़ा भी कमजोर हो, थोड़ा ताकतवर बन के आओ। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमको जाना ही पड़ता उनको हराने के लिए, और ये बहुत दिक्कत वाली चीज थी। एक तो मेरे को केव से नफरत है एंड यहाँ पे ये नुक्कन छुपाई खेल रहे हैं। तो अगर मैं तुमको मोटा मोटी लोकेशन बताऊँ ना, तो जिस फ्लोर पे जॉन है उसके नीचे के नीचे वाले फ्लोर में वो रहती है। इतना हमको मिलती है, हम उससे थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं एंड उसके बाद बैटल चालू हो जाता है। तो वो अपना पहला पोकेमॉन निकालती है फ्लैरियन और हम लोग यहाँ से निकालते हैं अपना पिजियोटो। अब हमारे पास कोई ऐसा मूव नहीं था जिसका डैमेज काफी ज्यादा हो, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सैंड अटैक एंड उधर से आता है फायर फैंग जो कि मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है यार। इसके बाद हम चेंज करके ले आते हैं अपने टॉरोस को एंड उसको भी बाइट
हीट से अच्छा खासा डैमेज पड़ जाता है। वैसे तो हम लोग रेस्ट कर लेते हैं बट फिर भी हम गहरी नींद में चले जाते हैं और सडनली वहाँ पे एक बार वो बाइट करता है एंड लकली हम पे क्रिटिकल हिट लग जाता है। अब तुमको पता ही होगा कि टॉरस के पास एक एबिलिटी होती है एंगर पॉइंट। अब इस एंगर पॉइंट के कारण हमारा अटैक बिल्कुल हाई लेवल पे चल जाता है एंड सबको वन हिट कर देते हैं हम। मैच के बाद वो फिर से थोड़ा बकवास करती है एंड फिर चले जाती है जॉन के पास और हम चले जाते हैं अगेथा को ढूंढने। अब अगेथा को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच जाते हैं भाई एंट्रेंस पे, फिर भी हमको नहीं मिलती। बट मैं अगर उसका मोटा मोटी तुमको लोकेशन बताओ ना, तो सबसे पहला वाला फ्लोर है जिसमें तुम अभी एंटर करते हो स्टार्टिंग में, उसके ठीक ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर जिसको तुम बोलते हो वहां पे तुमको मिल जाएगी। हम जाते हैं अगेथा से बात करने के लिए एंड वो हमको बोलती है कि जॉन अभी पक्का ही ट्रेनिंग कर रहा होगा ताकि वो तुमको हरा सके। उसके बाद हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हम थोड़ा थक भी गए हैं तो हमें बख्श दो, बाद में कभी बैटल कर लेंगे। बट वो नहीं मानते, वो निकालती है अपना जिग्लीपप और हम उसको एक फ्रस्ट्रेशन में ही हरा देते हैं। उसका नेक्स्ट पोकेमोन होता है क्यूबोन जो कि दो फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा टिक नहीं पाता। उसके बाद अगेथा बोलती है कि हम दोनों में काफी ज्यादा अंतर है, मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और वो हमारे पोकेमोन को हील कर देती है। फिर वो बोलती है कि तुम मजा नहीं ले रहे, हर वक्त काम पढ़ाई और इसी के बीच में तुम पिस जाते हो। उसके बाद हम कुछ वचन बोल देते हैं एंड वो गुस्सा होकर चली जाती है यहाँ से। हम फिर से सबसे टॉप फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे जॉन हमारा इंतजार कर रहा होता है। वो बोलता है कि क्या तुम जल्दी में हो, तो मैं इस बैटल को बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा एंड देन बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो अपना 27 लेवल का म्याउथ निकालता है एंड इसको देख के मैं यहाँ पे सैंड अटैक करने लग जाता हूँ भाई, क्योंकि इसको हराना है पहले। तो सैंड अटैक करते करते हमारा पिजोटो हार जाता है एंड फिर हम ले आते हैं अपने शैंचरू को जिसका एक ही मैग्नीट्यूड से म्याउथ ढेर हो जाता है। फिर आता है इसका टैंक पोकेमोन किंगिस खान और वो हमारे शैंचरू को हरा देता है। फिर लास्ट में हमारा टॉरस आता है, दो बार रिवेंज करने के बाद वो किंगिस खान वहां पे ढेर हो जाता है। इसके बाद वो तीनों चले जाते हैं यहाँ से एंड हमको लगता है कि वो काफी बचकाना हरकत कर रहे हैं। अभी हम सीटी लेके ऊपर जाते हैं एंड वहां पे हमको मिलती है एथना। वो हमको बताती है कि जॉन और अगेथा ऑलरेडी जा चुके हैं कैंप सेटअप करने के लिए, ऑल्सो यहाँ पे काफी ताकतवर पोकेमंस हैं तो हमको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी हम काफी ताकतवर हो चुके तो उतना दिक्कत लेने वाली बात भी नहीं है। अब ग्रास में जाने के साथ ही हमको मिल जाता है एक ग्लूम, क्योंकि वो एक ग्रास था तो हम उसको टीम में ऐड कर लेते हैं एंड इसका निकनेम रख देते हैं बदबू। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतने गंदे नाम मैं सोच कैसे लेता हूँ यार। खैर, उसके बाद हम इस जगह को क्रॉस करते हैं एंड हमको एक केव दिखती है। हम उस केव के अंदर जाते हैं एंड हमको मिलता है जॉन। सैम कम ऑन, हमने कैंप सेटअप किया है, हमको एक काफी अच्छा जगह मिला है। सो इस पार्ट को हम लोग यहीं तक रखेंगे, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि ये गेम का अंत है भाई, तो ऐसा नहीं है। अभी दिल टूटना तो बाकी ही है, दुनिया का बर्बाद होना तो बाकी ही है, और एक नए विलन का जन्म लेना तो बाकी ही है। बाकी इसी तरह का एक वीडियो मैं तुम्हारे स्क्रीन पे लगा दूंगा, जल्दी से लाइक कर देना अगर तुमको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा एंड अगर आ गया होगा तो स्क्रीन पे तुमको दिख जाएगा।